नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। अमेठी जिले की थाना शिवरतनगंज की रिपोर्टिंग। पुलिस चौकी इन्होना के अंतर्गत ग्राम पंचायत सराय माधव के अंतर्गत बैसनपुरवा गांव में तालाब की भूमि पर गांव के ही दबंग व्यक्ति देवेंद्र कुमार सिंह, नरेंद्र सिंह, मनोज कुमार, अंशु लोधे सहित कई व्यक्ति अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं, जिसकी शिकायत उक्त गाँव के ही निवासी कृष्ण कुमार सिंह पुत्र विशंबर सिंह के द्वारा 16 अप्रैल को पुलिस चौकी में लिखित रूप से की गई थी। इतना ही नहीं, कृष्ण कुमार सिंह के द्वारा अवैध रूप से कब्जा करने वालों की बावर ट्रैक्टर ट्रॉली से बाढ़ रहे तालाब के समय उन्होंने डायल 112 की पुलिस को भी मोबाइल फोन से सूचना देकर तालाब की भूमि पर अवैध कब्जा किए जाने की शिकायत की थी तथा उनके साथ दबंगों द्वारा मारपीट के विषय में भी कृत कार्यवाही की गई थी, जिसके बाद डायल 112 की पुलिस ने मौके पर आकर मामला रफा दफा कर दिया और 16 अप्रैल को ही शिकायत के बाद से थाना शिवरतनगंज की पुलिस चौकी इन्होना की पुलिस कुंडली मार कर बैठ गई है। जबकि लॉकडाउन के दौरान दबंग लोगों के द्वारा तालाब एवं अवैध कब्जा करना नियम कानून के विरुद्ध है। इस मामले में इन्होना चौकी के प्रभारी ने बताया कि मौके पर पुलिस भेजी गई थी। मामला राजस्व विभाग का होने के कारण बगैर विभागीय आदेश के किया जा रहा अवैध कब्जा रुकवा दिया गया है। दूसरी ओर तिलोई SDM सुनील कुमार त्रिवेदी से इस मामले की जानकारी करने का प्रयास किया गया तो उनसे बात नहीं हो पाई। अमेठी से राम धीरज यादव के साथ उमेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट।